तमिलनाडु के तुतीकोरिन विच अज हालात मुड़ खराब हो गए ने अते वेदांता सटल लाइन कापर प्लांट खिलाफ प्रदर्शन जारी है। स्थानक हस्पताल विच प्रदर्शनकारियों ते पुलिस कर्मचारियों विचाले हुई झड़प तो बाद पुलिस ने हंजू गैस की गोली छड़े। इस हिंसक प्रदर्शन विच 22 साल एक लड़के की मौत हो गई है। पूरे शहर विच धारा 144 लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने भी तमिलनाडु सरकार को वापरी घटना बारे रिपोर्ट तलब की है। प्रदर्शन हुण सूबे के होर हिस्सों में शुरू हो गया। चेन्नई में लोगों ने वेदांता खिलाफ रोस मार्च कढ़िया। उत्ते ही सूबा सरकार ने अफवाहों को फैलन से रोक लगाने लिए थोथुकुड़ी तिरुनेलवी कन्याकुमारी जेलों में अज रात तो 27 मई तक इंटरनेट सेवा से रोक लगा दी है। इस दौरान तमिलनाडु सरकार ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक मैंबरी कमेटी हिंसा की जांच लिए गठित की है। हुण इस विवाद में फिल्म स्टार रजनीकांत और अभिनेता तो नेता बने कमल हसन भी शामिल हो गए हैं। रजनीकांत ने एक वीडियो मैसेज जारी करके लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है।